दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। लगातार लोग हमारे साथ जुड़े हैं। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी, इंसा के यहाँ डेरा सच्चा सौदा के अंदर आज भी करोड़ों की भीड़ लगती है। हर सैटरडे, हर संडे या कोई सा भी दिन ले लीजिए, ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन यहाँ पर भीड़ ना हो। तो लोग इतना क्यों पूजते हैं गुरु जी को, क्यों आखिर भगवान मानते हैं गुरु जी को, जानते हैं यहाँ से जुड़े हुए लोगों से। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है मैम? अनीता। मैम डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हो? हाँ जी। कब से जुड़े हो? 27 साल हो गए। मैम 27 साल हो गए आपको। कैसा माहौल देखा है अपने गुरुजी? बहुत अच्छा माहौल है जी। अपने घर से भी अच्छा फील करते हैं, बच्चे भी, हम भी, सब परिवार। मैम आप कहते हो कि घर से अच्छा महसूस करते हो, मगर मीडिया चैनलों पे तो कुछ और ही तस्वीर दिखाई गई। ये सब फेक वीडियो बनाकर फेक चीज बोलते हैं जी, गंदा बोलते हैं, सब गलत बोला डेरे के बारे में। मैम गुरुजी पे आरोप लगाए गए, क्या कहना चाहोगे? ये आरोप सब झूठे हैं, हमारे पिताजी पे गलत लगाए गए। मैम विश्वास है आपको गुरु? हाँ जी, पूरा विश्वास है। मैम आप एक महिला हैं डेरा सच्चा सौदा के अंदर, आप 25-27 सालों से जाती रहीं, कैसा मतलब लड़कियों के लिए माहौल है, सुरक्षित है? बहुत सुरक्षित माहौल है यहाँ पे, कोई नहीं गलती चीज देखी हमने यहाँ पे आती। मैम वैश्यावर्ती में जो लिप्त लड़कियां हैं उनको मुख्य धारा से गुरु जी ने किस तरीके से जोड़ा है? बहुत अच्छी तरह से यार, एक वैश्यावर्ती में जो लड़कियां हैं उनको अच्छे, जो अपने परिवार से बिछड़ी हुई है उनको अच्छी तरह से देखभाल करी, उनकी शादी भी करवाई। बहुत बहुत बड़े परिवार से शादी था आखिर, बड़े बड़े परिवारों के लड़के जो गुरुजी से अच्छे, गुरुजी से जो नामदान थे जी, गुरुजी के कहने से जो अच्छे परिवार से उनके साथ शादी किए जी। मैम ऐसे संत की समाज को जरूरत है? हाँ जी, हमारे गुरुजी की समाज में बहुत जरूरत है। सरकार से क्या अपील करोगे? सरकार से ये अपील करेंगे कि जो इल्जाम लगवाए हुए हैं जो गुरुजी पे, वो सब वापस ले और हमारे गुरुजी को जल्दी से जल्दी निर्दोष साबित। मैम चरित्र कैसा है आखिर गुरुजी का? बहुत अच्छा है, बच्चों से लेके बुजुर्ग लेकर वो अपने बच्चों की तरह संभाल रखते। मैम आप क्या मानते हो गुरुजी को? हम गुरुजी को अपना सब कुछ मानते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। जैसा कि आपने देखा एक और बयान जो एक महिला का, वो भी गुरुजी के लिए इतना बड़ा बयान कि गुरुजी को आज भी मानते हैं, आज भी डेरा सच्चा सौदा के अंदर आए हैं और आगे भी मानते रहेंगे। लगातार एक ही पक्ष में बयान आना ये दर्शाता है कि गुरुजी कोई आम संत नहीं थे, एक पूर्ण संत थे जिन पे एक बार फिर से एलिगेशन, इतिहास दोहरा रहा है अपने आप को। फैसला आपने करना है कि इतिहास को दोहराने देना है या अपने इतिहास को बदल के अपने समाज को बदलना है। जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।